राधे कहनी तक बाद 3 महीना के बाद मारे पीटे लगल है तो फिर लैके निक अपना घर अलिया मारे लगल है यही बहन से बतियाल खाती भाई से बतियाल खाती जो भाई बहन से बतियाल तो वही खाती मारो पहले मरल रहा अभी तो 1 महीना होता जस्ट वो लड़किया के वही मरल रहा ले जाकर लड़को चुह पाया अभी कल बात भर लड़की से तो कहते रही कि अथी हमके मारता लो दीदिया घर बतिया लेनी है वही खतरा फिर कूलर खातिर जान मरल लड़की को दारू पी के मरा था उसको ना पैसे देना ना ही कुछ मतलब कुछ नहीं था लड़की के शरीर पर कितने चोट था बेल्ट से मारा हुआ पीठ पे चोट है उसके उसके हाथ पे रेड चोट है बहुत हाथ पे भी मारे उसको लड़की को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है लड़की को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। नमस्कार झलको गोपालगंज हम राजेश गोपालगंज जिले के हथुआ विधानसभा क्षेत्र के फुलवरिया थाना अंतर्गत भवानी छापर गांव से एगो मामला सामने आयल बा जहाँ नवविवाहिता के हत्या कर दल बा हत्या के बाद परिजन उत्तर प्रदेश से पहुँचल बड़े और शव के पुलिस के मौजूदगी में लेके सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम खातिर आयल बा लो नवविवाहिता के शादी दिसंबर महीना में ही भय रहा और पूरा जानकारी लेवल ली नवविवाहिता के माई बड़ी माई से जानकारी लेवल ली से घटना का अंजाम देवल बा और कब पता चलल यहाँ लोग के यहाँ लोग उत्तर प्रदेश के रहे वाला बहन लोग हालांकि गोपालगंज जिला के फुलवरिया थाना क्षेत्र के भवानी छापर गांव में शादी भइल बा कब शादी कइले रहनी दिसंबर हाँ शादी कहनी तक बाद 3 महीना के बाद मारे पीटे लगल है तो फिर लैके निक अपना घर अलिया मारे लगल है यही बहन से बतियाल खाती भाई से बतियाल खाती जो भाई बहन से बतियाल तो वही खाती मारो का चाहो उसकी घरे अपना नैहर ना बतियाओ हाँ नैहर मत बतिया केहू से मत बतिया खाली हमारे से बतिया वही खाती फ्रिज कूलर ना दे हल माने फ्रिज आ कूलर ना मिलला से खिसियाई रहल हाँ फ्रिज कूलर जो हत रहल है फ्रिज कूलर बियाह में देवे के रहे हाँ ना बाद में भल जे दियाई घर द्वार बनवा लो तो कहाँ धरब एगो घर में तो कहाँ धरी है आ अथी कह फिर से ना भल जे गाड़ी मंगल तो गाड़ी दिया गलू के रखे कौन गाड़ी दिया ये मोटरसाइकिल अभी फ्रिज कूलर खातिर जान मरल है महिला और बेटी से कब बात भई रहे लास्ट हमारा बेटी से 3 दिन भइल बात कइल हां क्या कहत रहली कहत रही ठीक बा माई हम ठीक बा तो ई ना कहली कि हमरा के फ्रिज कूलर खाती मारा तलो चाहे ना पहले कहली तो कौन जा अच्छा दियाई फ्रिज कूलर बाद में दियाई 3 दिन पहले बात भइल तो रोल कैसे पता चलली ई केउ कहल हमर गांव के रहल हमर एथी तई में कहू कहल का कहल कहल जो मुँगा दलवल जल्दी से आवल तबियत खराब है डॉक्टरी में लगे गए बल इतना बात कहल लो जर बुखार नहीं खे आई हाँ वो लड़की के अन्याय मोल बलो तो क्या रुआ जानकारी मिलल ये घटना के लेके हमने के यही जानकारी मिलल बटे कि यान केहू कहल बा घर केहू के एक बेर नहीं खेल बतौले जे तारा लड़की के हंगा भइल बा आके देख जा लो आन केहू बतौले बा तब हमने के आइल बनी जा कम से कम जौन हर लड़की में दोष रहे तौन बताओ न चाहिए वो लोग के एकरा पहले हम मरल रहल फ्रेश कूलर हां हां एकरा पहले मरल रहल अभी तो 1 महीना होता जस्ट वो लड़किया के वही मरल रहल वाले जाकर लड़को चुह पाया फिर बुला के ले गेल आ फिर लिया के बोला के लिया के आ कहत कि ऐसा गलती अब ना होई विदा कर दिए अमा तो यहाँ के विदा कर देनी कहनी कि अच्छा ऐसा ऐसा अब इके जानते जे बीहे ले जाके हमारे लड़की के घोते कर दिए सो माफ़ी मांग के लिए लोन लिया के आ ख़त्म कर दल अभी कल ले बात भर लड़की से तो कहते रही कि अमा अथी हमके मारता लो दीदिया घर बतिया लेनी है वही खतरा जे काहे के अपना दीदी घर बतिया उतरू माने मारे में मुंगावे में केकर केकर हाथ बा उनकर सास बड़ी आ ओकर मर्द बड़े दोसर के होने के घर में मैं तो पुलवर थाना से रिक्वेस्ट करूंगा उसकी मम्मी उसकी चाची और लड़का संज्ञान मामला ले हीरामन जो है भगत वो भाग गए घर छोड़कर फरार हो गए अभी ठीक है ना और बाकी मैं पुलवर थाना से रिक्वेस्ट करता हूँ और बिहार के सारे लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी लड़की शादी करे आप देख सुन शादी करें किसी भी लड़की शादी करें आप देख सुन शादी करें किसी शादी कर ली तो देख सुन के ना कर देख शादी किए थे हम लोग हम क्या समझे अंदर के लड़के में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है सारा डेली दारू पीता है और मतलब हम लोग को पहले पता नहीं था ना कि लड़का दारू पीता है ड्रंक करता है इतना मालूम था ना ये तो बाद में मालूम चला जब लड़की को मान लिया तब मालूम चला कि हाँ ये कुछ मामला अलग है फिर हम लोग शादी कर दे फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते मजबूर थे मामला माने अलग कैसा लगल मामला मामला यही था कि मतलब लड़की को दारू पी के मरा था उसको ना पैसे देना ना ही कुछ मतलब कुछ नहीं था उसके यानी कुछ नहीं था घटना के लेके लड़की के भाई मौजूद बनी है यहाँ से बात कर ले एक दिन बाद फोन आया कि फिर टॉर्चर कर रहे हैं तो हम लोग फिर खुद आए और यहाँ पंचायत हुआ घर पे उनके तो वो बोले कि बार बार घटना क्यों हो रहा है हम लोग पूछे तो वो बोले कि ऐसे हम लोग को बार बार फिर लड़की बोले कि हमको टॉर्चर कर रहे हैं बार बार और मार रहे हैं तो लड़के वाला बोले नहीं ऐसा कोई बात नहीं है लड़की बोल रही है कि वो लड़का जो है बहुत पीता है जब जब पी कर आता है तब तब बहुत मारता है और वो अपनी लड़की जब घर कॉल करती है
अपने मम्मी पापा से बात करने के लिए, तो लड़के लड़के वाले फ़ोन नहीं करने दे, उनको बोल रहे हैं कि घर पर कॉल मत करो क्योंकि तुम वहाँ पे तुम्हारे घर वाले तुमको कुछ नहीं दिए हैं दहेज में, एक ही बस मोटरसाइकिल दिए हैं और फ्रिज कूलर की मांग थी वो नहीं दे रहे हैं। तो हम सोचे तो हम लोग फिर कहें कि हम बाद में फ्रिज कूलर दे देंगे, अब स्थिति सही नहीं है, स्थिति सही होने के बाद हम लोग फ्रिज कूलर दे देंगे। तो ऐसे ही बात हुआ, उसके बाद फिर हम लोग चले गए घर, फिर एक मंथ बाद फ़ोन आया कि फिर वो मार रहे हैं। तो हम लोग फिर आए घर पे, तो वही इस बार कितने दिन बाद हो गया था कॉल आए हुए, फिर परसों फ़ोन की बहन और बोली कि यहाँ हम लोग को फिर मार रहा है, तबीयत बहुत ज़्यादा मार रहे हैं लोग, सही नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो हम लोग परसों फ़ोन किए और लड़की के बहन भी फ़ोन कर रही थी, तो लड़के वाले मार रहे थे उसको कि घर पे कॉल मत करो, अपने अपने यहाँ का बात वहाँ मत बताओ, घर पे मत बताओ। तो ऐसे ही बात चलता रहा। उसके बाद हम लोग आए तो आज परसों के बात लड़की से परसों बात हुई है, बहन से मिली, तो बोली कि यहाँ पर कुछ सही नहीं चल रहा है और यहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब है, यहाँ पर लोग मार रहे हैं हम लोग को, मेरे पति हैं जो बहुत मारते हैं फिर कराते हैं, तो दहेज के लिए भी बोलते हैं तुम अपने घर क्यों कॉल कर रही हो, वो दहेज में कुछ नहीं दिया हम लोग को। यही बात चलता रहा। उसके बाद 3 दिन बाद आज पता चला कि लड़की की तबीयत ख़राब है, गांव के एक आदमी ने मेरे रिलेशन पड़ता है तो वो फ़ोन किए हैं कि आओ तुम यहाँ पे घर पे, यहाँ लड़की की तबीयत ख़राब है, आओ जल्दी मिल लो आकर, कुछ सही नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो हम लोग आए तो यहाँ देखें कि ये लड़की मर चुकी है और लड़की को उठाकर घर से बाहर ये लोग लड़की को लेटाए हुए हैं, तो लड़की को नहला चुके थे, लड़की के शरीर पर कितने चोट था, बेल्ट से मारा हुआ पीठ पे चोट है, उसके उसके हाथ पे रेड चोट है, बहुत हाथ पे भी मारे हैं उसको, लड़की को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए हैं, लड़की को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है और बहुत मार मारे हैं लड़की को वो लोग। गिरफ्तारी मामला में फुलवरिया थाना द्वारा कॉल मिल पे, हाँ सुबह में हम लोग एस एस साहब को कॉल किए थे तो सर आए और लड़के को पकड़ के ले गए हैं सर, और बोल रहे हैं कि आगे कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी। तो हम लोग बोल रहे हैं ठीक है, हम लोग FIR दर्ज करेंगे। और इसके मामले में घर पर बोल इनके लड़की के माई के कहाँ पर, हम लोग का घर छपिया भिंगारी बाजार थाना खाम पर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश पड़ता है हम लोग घर। पीड़ित परिवार के इंसाफ मिल सको और कड़ा से कड़ा आरोपी कार्रवाई हो सके, और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर चुके, पीड़ित परिवार के कुछ ना कुछ सहयोग मिलो और आरोपी के सजा मिलो। धन्यवाद।